क्या कमाल की बॉलिंग की है अर्शदीप पाजी, सलूट है पाजी। माय गॉड, लाइफ में पहली बार मैंने लाइव देखा है कि स्टंप्स आधे में टूट रही हैं। आई थिंक हिस्ट्री में पहले भी थोड़ी बार ऐसे हुआ है, लेकिन मैंने पहली बार लाइव देखा कि मतलब स्टंप्स मिडल में से उखाड़ी नहीं, मिडल स्टंप तोड़ ही दी, और एक बार नहीं दो बार, और वो भी कंसेक्यूटिव डिलीवरीज पर। शायद ये वर्ल्ड का रिकॉर्ड बन गया है। मुझे आज तक का कुछ याद नहीं आ रहा, ना ही कभी सुना है कि दो कंसेक्यूटिव बॉल्स में दो बार स्टंप्स टूटी हों। अर्शदीप पाजी ने तो कमाल कर दिया। मतलब पंजाब किंग्स गए थे मुंबई में मुंबई की विनिंग स्ट्रिक तोड़ने, और तोड़ आए उनकी स्टंप्स वगैरह, और इतना खर्चा हो गया आईपीएल को। वो जो एक स्टंप्स का सेट होता है पूरा, थ्री स्टंप्स और बेल्स वगैरह, वो 30 लाख आई थिंक $40 का होता है, 40,000 सॉरी $40 में, तो 30 लाख इंडियन रुपये अप्रॉक्सीमेटली। और उन्होंने दो वो सेट बर्बाद कर दिया, मतलब $80,000 $60 लाख इंडियन रुपीज़, इतना नुकसान कर दिया आईपीएल का। और अब तो बीसीसीआई भी बोल रही होगी यार इतना नुकसान कर दिया, लेकिन अंदर से वो बहुत ही खुश होंगे। मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि बीसीसीआई को इतना अच्छा बॉलर मिल गया है। अब अर्शदीप T20 टीम में ऑलरेडी है, लेकिन अब वो अब मतलब अगर वो वाइट बॉल को इतना स्विंग और रिवर्सिंग स्विंग करा सकते हैं, तो सोचो वो रेड बॉल को क्या करा सकते हैं। तो फ्यूचर में टीम इंडिया की रेड बॉल टेस्ट क्रिकेट में भी अर्शदीप जरूर आएगा, और आना भी चाहिए। और क्या उनको कॉम्बिनेशन मिल गया है अगले 10-15 साल के लिए सिराज और अर्शदीप का, मतलब दोनों ही इतने अच्छे बॉलर हैं। सिराज का भी आपको पता है इतना अच्छा बॉलर है, और अर्शदीप और सिराज दोनों टॉप पे हैं पर्पल कैप के रेस में भी, और सिराज ODI बॉलर भी नंबर वन है इंटरनेशनली रैंक, और अर्शदीप तो है ही, मतलब IPL T20 फॉर्मेट में वो नंबर वन है सिराज ODI में, और सिराज और दोनों मतलब क्या पावर प्ले में भी कर सकते हैं दोनों पूरा मैच इंडिया के लिए। फ्यूचर में पावर प्ले मतलब पहले 6 ओवर में ही बदल सकते हैं, टीम को जिता सकते हैं, इतने इनमें काबिलियत है, क्योंकि दोनों मतलब गन बॉलर हैं, गन बॉलर। और अर्शदीप तो डेथ बॉलर भी मतलब बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं सबसे बेस्ट है IPL में, सबसे बेस्ट है मतलब नॉट ओनली इंडियंस और सब बॉलर्स में से नंबर वन है डेप्थ बॉलर, अगर आप पिछले 4-5 साल से देख रहे हो तो, मतलब बहुत ही अच्छे साइंस है इंडियन टीम के लिए। और दोनों मिडिल ओवर्स में भी करा सकते हैं, मतलब क्या कॉम्बिनेशन बन गया है, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है इंडियन टीम के लिए। ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन लीथल होने जा रहा है, लीथल। और अर्शदीप पाजी का आपने शायद नोटिस किया है पिछले, इतना इम्प्रूव्ड हो गया है रनअप, अब उन्होंने रनअप उनके जो कोच है यशवंत राय उसके साथ फिक्स किया था, थोड़ा नोवल इश्यू था, अब रनअप 5 मीटर कम कर दिया है। और आपने शायद नोटिस किया अगर उनकी स्पीड बहुत बढ़ गई है, अब वो 144-145 आराम से डाल रहे थे ये मैच मुंबई के अगेंस्ट, पहले वो 140 के राउंड बॉल करते थे, अब वो 145 के करीब आ गए हैं। और लाइन और लेंथ तो थी हमेशा, स्विंग भी थी, और यॉर्कर तो उनका वर्ल्ड फेमस हो गया है अब, जैसे मतलब बड़े बड़े मैचों में वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने बड़े बड़े प्लेयर्स की विकेट ली, जैसे बाबर और आजम को फर्स्ट बॉल पे आउट कर दिया था, और अब बाउंसर भी है उनके पास, मतलब सब कुछ है। और ये बंदा 3 फॉर्मेट इंडिया के लिए ज़रूर खेलेगा, पूरा मैच बदल दिया। मतलब एक टाइम पर मुंबई ने इतने रन, थोड़ी मैच की बात करते हैं, 235 चेस कर रहे थे तो ऑलमोस्ट कवर कर लिए थे, एंडली 17 बॉल्स में सिर्फ 34 रन चाहिए थे। और सूर्या पाजी स्ट्राइक में थे, अभी तिलक वर्मा आना था, टिम डेविड थे, मतलब कैमरन ग्रीन थे, और 3 विकेट्स अर्शदीप ने लास्ट 2 ओवर में ली, और सिर्फ 2 रन कंसीड किए फाइनल ओवर में, सिर्फ 2 रन, मतलब 15 चाहिए थे मुंबई का, तो पूरी गेम जिता दी, जीता हुआ मैच पंजाब के हाथ में कर दिया। और अगर हम थोड़ी बैटिंग की बात करें तो ताइडे और प्रॉप सिमरन ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया था पंजाब को, लेकिन मैथ्यू शॉर्ट फिर से थोड़ी अर्ली आउट हो गए, और लिविंगस्टन भी थोड़े चीपले चले गए, तो 95/4 थे, और मिडिल ओवर्स बहुत स्लो खेल रहे थे स्टार्टिंग में हरप्रीत भाटिया और सैम करन, लेकिन जो एंड में एंडले 5-7 ओवर में उन्होंने किया है वो भी ऑलमोस्ट एक सेकेंड हाइस्ट रन था
एंड में 5 ओवर में पंजाब ने 96 रन बना दिए, मतलब 300 प्लस स्ट्राइक रेट से खेले हैं, इतने ज़्यादा रन बना दिए। और हरप्रीत पाटिया पाजी और सैम करन की पार्टनरशिप ने गेम बदल दी, और बेचारे अर्जुन तेंदुलकर को इतना मारा, 31 रन हरप्रीत पाटिया पाजी ने बहुत ही अर्जुन तेंदुलकर के ओवर में रन बनाए, और फिर सैम करन ने हाफ सेंचुरी बनाई, और एंड में आकर जितेश शर्मा, उनको तो सल्यूट है, बहुत गेम से स्ट्रगल कर रहे थे लेकिन वो एंड पोस्ट कॉन्फ्रेंस में बोले, पंजाब मैनेजमेंट ने मेरे ऊपर इतना फेथ दिखाया, मुझे कुछ नहीं बोलते, मैं चीपली भी आउट हो जाऊं तो ये है उनकी वैल्यू, मतलब इतनी अच्छी मैनेजमेंट ने इंडिया को इतने अच्छे प्लेयर्स दिए हैं, और अब जितेश शर्मा भी इंडिया के लिए खेलेगा, ये बात आप नोट कर लो, जितेश शर्मा भी टीम इंडिया में आएगा, और अर्शदीप तो दिया ही है पंजाब किंग्स ने ऑलरेडी, जो नंबर वन मेरे हिसाब से बॉलर होने जा रहा है फ्यूचर का अक्रॉस फॉर्मेट्स, और तो फिर 215 रन मुंबई को चेज करने थे, क्योंकि जितेश शर्मा ने एंड में आकर 21 रन बना दिया 7 बॉल्स पर। और दूसरी इनिंग मुंबई ने भी बैटिंग बहुत अच्छी स्टार्ट की, ईशान किशन को अर्शदीप ने पहले ही ओवर में आउट कर दिया, लेकिन रोहित शर्मा ने फिर थोड़ी इनिंग बिल्ड की, 44 रन बनाए वो भी अच्छे स्ट्राइक रेट से, और सूर्य कुमार यादव जो स्काई की फॉर्म है, जो जैसे हम जानते हैं उनकी जो काबिलियत है वैसे खेले, 50 प्लस रन बनाए वो भी बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से। लिविंगस्टन ने थोड़े से बॉलिंग में थोड़े उनको 3 चौके दे दिए, बहुत ही थोड़े से लाइन एंड लेंथ मिस कर गए थे, तो वो स्टार्ट को यू नो सूर्य जैसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर को ऐसा स्टार्ट दोगे तो फिर वो कन्वर्ट तो करेगा ही, हाफ सेंचुरी बना ली, और मैन ऑफ द मैच मुंबई के लिए था कैमरन ग्रीन, बॉलिंग भी अच्छी की और 60 प्लस रन्स भी बहुत ही अच्छे बनाए, और उन्होंने गेम को इस मुकाम तक पहुंचा दिया था कि पंजाब हार भी सकती थी, मतलब एंड में आप मैंने बताया था कि 17 बॉल्स में सिर्फ 34 चाहिए थे, और फिर जब एंड में इतने अच्छे अच्छे शॉट्स खेले तो लगता था मुंबई जीतेगी, लेकिन फिर डेथ ओवर्स में आए सैम करन और अर्शदीप, और नेथन एलिस ने कैमरन ग्रीन का पहले बड़ा विकेट लिया, और फिर अर्शदीप ने सबसे शायद बड़ा विकेट सूर्य कुमार यादव का, क्योंकि अगर सूर्य कुमार यादव एंड तक रहते जैसे वो खेल रहे थे ऑलमोस्ट 250 स्ट्राइक रेट से, तो मुंबई ने जीत जाना था, और वो कैच भी बहुत अच्छा पकड़ा था, टाइट आई थिंक था, और बहुत अच्छी फील्डिंग थी, और उसके बाद मतलब फिर भी गेम खत्म नहीं थी, क्योंकि 17th या 18th ओवर में पहली बॉल पर छक्का लग जाता है और अगली और टिम डेविड स्ट्राइक पर आते हैं, क्योंकि कैमरन ग्रीन सूर्य कुमार जाने से उनकी बैटिंग खत्म नहीं होती है, टिम डेविड और तिलक वर्मा भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, तो पहले छक्का लग जाता है, तो अगली 5 बॉल में 18th ओवर की अर्शदीप सिर्फ 3 रन देते हैं और सूर्य कुमार यादव की विकेट लेते हैं उस ओवर में, अगले ओवर में शायद नेथन एलिस को 10-12 रन पड़ते हैं, तो एंड में रह जाते हैं 15 रन जीतने के लिए 16 रन, तो अर्शदीप पाजी पहली बॉल पे बस सिंगल, दूसरी डॉट, और तीसरी और चौथी बॉल थी वो तो अब हिस्टोरिक हो गई है, लेजेंडरी हो गई है, ये आईपीएल की हिस्ट्री में बन गई है वो पिक्चर जो स्टंप्स टूटने की थी, बैक टू बैक अर्शदीप पाजी तिलक वर्मा को आउट कर देते हैं, तो फिर एक और विकेट ले लेते हैं तो स्टंप्स तोड़ देते हैं, मतलब क्या ही बॉलिंग, तो मुंबई का तो वहीं ख़त्म था, उनका जो जीतने का जो होप थी वो तो ख़त्म थी, और एंड में फिर डॉट बॉल करते थे और सिंगल, मतलब एंड ओवर में 2 बस रन दे के इतना अच्छा मैच था, मेरे लिए ये बेस्ट मैच था अब तक आईपीएल का, बहुत ही थ्रिलिंग मैच था, क्योंकि पिछली वीडियो अगर आपने देखी हो तो मैं बात कर रहा था कैसे 7-8 इनिंग से, मतलब पिछले जो 4 मैच थे हफ्ते उनमें से 8 इनिंग में से 7 टीमों ने 155 भी नहीं क्रॉस किया, 6 टीमों ने 150 नहीं, इतने स्लो मैच चल रहे थे, और जो सुबह का मैच था पंजाब मुंबई का से पहले जो था एलएसजी का और गुजरात का वो भी बहुत ही बोरिंग मैच था, और उसके बारे में हम नेक्स्ट बात करेंगे, तो मतलब ये मैच ने तो पूरा मज़ा ही दे दिया, इतना थ्रिलिंग मैच था एंड तक, पता नहीं था कौन जीतेगा एंडले ओवर तक, और आज भी जैसे चेन्नई ने भी बहुत ही बड़ा स्कोर बनाया था आज, 235 बना दिया, उसकी भी बात करेंगे, और आरसीबी का मैच था जो सुबह आज, उसकी भी बात करेंगे, तो पहले बात करते हैं अब एलएसजी और गुजरात टाइटंस का जो कल सुबह था मैच। आपको दोस्तों पता तो चल ही गया होगा कि कैसे एलएसजी ने जीती जीती गेम हार दी कल सुबह, मतलब बहुत ही लो रन
चीज थी। और अगर आपने मेरी पिछली अब मेरी आईपीएल सीरीज देख रहे हैं तो मैं बहुत ही क्रिटिसाइज कर रहा था एलएससी और केएल राहुल की अप्रोच को भी, ऐसे नहीं खेल सकते T20 में, बोल बोल के मेरे सांस सूखी है। लेकिन वो अपनी अप्रोच बदल ही नहीं रहे, इसलिए एलएससी की मैं ज़्यादा बात ही नहीं करूँगा, क्योंकि इतनी मैनेजमेंट इतनी कैसे इनकेपेबल हो सकती है कि जो स्ट्रेटजी काम करनी रही वही स्ट्रेटजी आप दोबारा दोबारा ट्राई कर रहे हैं। और केएल राहुल को टॉप ऑफ द ऑर्डर उससे कप्तान भी बना दिया, चलो वो तो जब बताया था एक दो साल पहले डिजर्व भी करता था, अब तो वो प्लेयर नहीं रहा केएल राहुल, क्योंकि अगर आप देखोगे वो सबसे लोएस्ट ओपनर से उसके सीजन एवरेज बताऊं 113 है उसका स्ट्राइक रेट सीजन की आज तक एवरेज ओपनिंग बैट्समैन के लिए 113, मतलब ऑलमोस्ट इतना लो स्ट्राइक रेट T20 में, ये तो क्या कहें, मतलब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि पिछली वीडियोस में मैंने बहुत इस चर्चा की है इस टॉपिक पर, तो आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है ये अप्रोच, और एलएससी मैनेजमेंट भी कुछ चेंज नहीं ला रही। आप अगर खिलाना ही है केएल राहुल को, अब तो मुझे लगता है उसको खेलना भी नहीं चाहिए T20, लेकिन खिलाना ही हो तो उसे लोअर डाउन द ऑर्डर करो। आपके पास इतने अच्छे बैट्समैन हैं, क्विंटन डिकॉक्स, काइल मेयर जैसे अटैकिंग, उनसे ओपनिंग कराओ ना, मतलब क्या कर रहे हो। तो एलएससी ने बॉलिंग अच्छी की थी गुजरात को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, लेकिन फिर गुजरात ने जो बॉलिंग की है, मोशमी तो आपको पता ही है सीजन वेटरन है, प्रो है, लेकिन जो मोहित शर्मा ने बॉलिंग की है, माय गॉड। फिर एंडला ओवर में अभी भी मैच पलटा नहीं था और उन्होंने जिता दिया गुजरात को, और दो मैन ऑफ द मैच ले लिया अब सीजन के लिए, तो बहुत ही अच्छी कहानी है मोहित शर्मा की। और एंडले 6 ओवर्स में, मतलब 36 बॉल्स में एलएससी को सिर्फ 30 रन चाहिए थे, और केएल राहुल फर्स्ट ओवर से लेकर 20th ओवर तक खेले 61 बॉल, मतलब 10 से ज़्यादा ओवर खा गए 61 बॉलों में, और 20th ओवर में आउट हो गए और अपनी टीम को, मतलब ही स्क्रूड ओवर हिज टीम एंड लेफ्ट, लाइक इट्स सो डिसअपॉइंटिंग। सो मैं तो यहाँ ज़्यादा कुछ बात नहीं करना चाहूँगा इस मैच बारे में, क्योंकि बहुत ही मैं अपसेट हूँ जैसे SRH मैनेजमेंट से, मुझे लगता है अपसेट हूँ जैसे मैंने एक तो पिछली वीडियोस में बात की, ऐसे LSE मैनेजमेंट, क्योंकि इन दो टीमों के पास इतने अच्छे प्लेयर्स हैं, इतनी कैपेबिलिटी है, लेकिन फिर भी ये बैड मैनेजमेंट, बैड कैप्टनसी, मतलब बैड कोचिंग की वजह से इतने, ये दोनों टीमें क्वालिफाई नहीं करेंगे, मेरी प्रेडिक्शन तो ये है, अनलेस ये कुछ ड्रास्टिक मेजर्स लें अब और कुछ यंग प्लेयर्स को चांस दें, क्योंकि ये अप्रोच ही बहुत गलत है। तो इस मैच के लिए इतना ही, तो आज के मैच दो मैचों की बात करते हैं। पहले था RCB का मैच, तो आओ पहले RCB और राजस्थान रॉयल्स के मैच की बात करते हैं। अगर दोनों टीमों के सबसे बड़े स्टार्स की बात करें तो आज दोनों ही डक पे आउट हो गए। पहले थे विराट कोहली जो गोल्डन डक पे, ट्रेंट बोल ने उन्होंने उनको LBW कर दिया, जीरो पे आउट हो गए पहली बॉल में। और दूसरे इनिंग्स में जॉश बटलर भी डक पे आउट हो गए दो बॉल्स में। तो मतलब अगर आप RCB फैंस हो तो आपको ये गेम याद रखनी पड़ेगी अगर आप क्वालिफाई कर देते हैं, क्योंकि अगर आज हार जाते राजस्थान रॉयल्स से तो बहुत ही मुश्किल हो जाता RCB के लिए, मतलब 7 गेम्स के बाद अगर बिलो 500 रिकॉर्ड हो जाता, 3-4 हो जाता, लेकिन आज की जीत के साथ 4-3 हो गया और अब टाई हैं, मतलब क्वालिफाई में आ रहे हैं अभी। तो उसका आज का क्रेडिट देना पड़ेगा ग्लेन मैक्सवेल को सबसे ज़्यादा, और फैफ टू प्लेसी तो पता ही है इस साल के ऑरेंज कैप होल्डर हैं, अभी भी फिर आज उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, और इस साल के अब पर्पल कैप होल्डर्स आज के बाद सिराज ने जो अच्छी बॉलिंग की थी वो एक विकेट ली, वो भी अब टाई हो गए अर्शदीप के साथ नंबर 1 पोजिशन में। लेकिन जो स्टार था आज का वो था मैक्सवेल, क्या इनिंग्स खेली है, 77 रन 44 बॉल्स में, मतलब पूरी गेम ही बदल दी, और इतना बड़ा जो ऑलमोस्ट अच्छा स्कोर था, काफ़ी गुड स्कोर था 190 का जो RCB ने टारगेट दिया था, तो वो उसका क्रेडिट ग्लेन मैक्सवेल को ही ज़्यादा जाता है। और जो जब RR की बात करूं तो जायसवाल मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड है, बहुत यंग है, 21 ईयर्स ओल्ड हैं, और आज फिर उन्होंने शायद हाफ सेंचुरी लगा दी थी या थोड़े से कम थे, लेकिन बहुत अच्छी इनिंग्स खेली इंडियन टीम को, इन
के ऊपर बहुत क्लोज वॉच रखनी चाहिए, अपनी नज़रों में रखना चाहिए, क्योंकि ये प्लेयर इंडिया के लिए खेल सकता है फ्यूचर में. तो प्लीज़ बहुत अच्छे से इनकी केयर करनी पड़ेगी और डिवेलप करना पड़ेगा, क्योंकि अभी और भी ये अच्छे हो सकते हैं. और आज पाडिकल साहब ने भी फाइनली कुछ अच्छा कर दिया, हाफ सेंचुरी लगा दी, अच्छी हाफ सेंचुरी थी, लेकिन एंड में जीत नहीं पाए, क्योंकि आज हर्षल पटेल जो इम्पैक्ट सब थे उन्होंने भी 3 विकेट लिए अच्छी कान में. तो आरसीबी आज जीत गई, और सैडली कोहली फैंस के लिए आज कोहली बाजी चलनी पड़ी, लेकिन कोई बात नहीं, अगले मैच में फिर चल पड़ेंगे, क्योंकि उनका भी सीज़न अच्छा जा रहा है. और हाँ, आज के इस गेम के लिए इतना ही. सो कंग्रेचुलेशन टू आरसीबी एंड देयर फैंस. एंड ग्लेन मैक्सवेल ने प्लेयर द मैच जीत लिया. एक क्विक शॉट आउट देना चाहूँगा जुरैल को, जो आर के लिए एंड में एक अच्छी पारी खेल के 34 रन, आई थिंक 212 स्ट्राइक रेट से, सो उन्होंने भी अच्छा किया, लेकिन एंड में कंफर्टेबली जीत के आरसीबी. तो अब बात करते हैं सीएसके वर्सेस केकेआर की. और ऐसे लग रहा था जैसे सीएसके का होम मैच हो, क्योंकि इतने येलो थी, पूरा सी ऑफ येलो ईडन गार्डन्स में हुआ था. मानना पड़ेगा माही पाजी की फैन बेस बहुत है, मतलब जैसे भी आपकी ओपिनियन है उनके बारे में, आप ये डिनाई नहीं कर सकते कि फैन बेस उनकी इंडिया में फॉलोइंग बहुत है, स्पेशली ईस्ट और साउथ में, क्योंकि है भी वो बिहार के और चेन्नई में तो ज़्यादा सारा आईपीएल करियर है, तो कुछ रीजंस में बहुत ही ज़्यादा उनकी फैन फॉलोइंग है. और आज के मैच में क्या 235 का टारगेट दिया है सीएसके ने, इतनी अच्छी बैटिंग. और अगर आप मेरी सीज़न के ये सीरीज आईपीएल सीज़न की अर्ली विकेट देखोगे वीडियोस में, जब अर्ली सीज़न आईपीएल में मतलब डेविन कॉनवे पहली 3-4 गेमों में इस सीज़न के आउट जल्दी हो रहे थे, मैंने बोला था मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि ये थोड़ा अपने विकेट थ्रो कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत ही काबिल प्लेयर है, इतने टैलेंट है, और आप ये वीडियो जाकर देख सकते हैं. और मुझे लगता था कि ये टर्न अराउंड जरूर करेंगे, और पिछली एक दो मैचों में देखो तो क्या फॉर्म है अब डेविन कॉनवे में, हर गेम में 50 लगा रहे हैं, और इतनी अच्छी बैटिंग की. और डेविन कॉनवे के साथ साथ रहाने को क्या हो गया यार, रहाने T20 इतने प्लेयर अच्छे कब बन गए. KKR फैंस भी सोच रहे होंगे कि जब हमारी टीम में थे शायद लास्ट ईयर तब तो कुछ किया नहीं, अब इतना अच्छा मारे हर गेम में, माय गॉड, फिर आज एक बार फिर इतना अच्छा नॉक किया, फिर हाफ सेंचुरी लगा दी, और आज तो एंड में डुबे जी फिर अपने वही बॉलीवुड पुलिस वाले किरदार में आके, जिस पे मैंने पिछले एक तो वीडियोस में बात की थी, जैसे कोई हिंदी फिल्म का हीरो होता है डुबे, ऐसे उनका नाम भी ऐसा है, और क्या लंबे लंबे छक्के लगाए हैं. तो इन तीनों ने तो सीएस के लिए गेम बना दी. और सच बोलूँ तो जब 235 का आप पहली इनिंग में ही टारगेट देते हो टीम को, तो 80-90% गेम वहीं ख़त्म हो जाती है, क्योंकि बहुत मुश्किल है इतना बड़ा टारगेट चेस करना. और रहाने के 71 of 29 बॉल्स को KKR बैटर्स ने खूब एम्युलेट करने की कोशिश की, लेकिन पहले 4 बैटर्स मतलब सस्ते में ही आउट हो गए, कोई 0 पे, कोई 1 पे, कोई मतलब आयर ने भी 20 बनाए थे, लेकिन 20 गेंदों में ही 20 बनाए थे, तो कोई चला नहीं. तो फिर आए जेसन रॉय, और उन्होंने भी हाफ सेंचुरी लगा दी, 61 रन्स बना दिया, आई थिंक 26 बॉल्स में, बहुत ही अच्छे स्ट्राइक रेट से. तो थोड़ी होप तब मिली थी कि शायद मतलब KKR का कोई चांस हो, क्योंकि वो उनको एक अच्छे मुकाम तक ले गए थे, लेकिन फिर भी लगता था कि फेवर सीएसके में ही है, गेम सीएसके फेवर में ही है. तो फिर जब ठीक सना ने उनको आउट कर दिया, तो फिर तो लगता था हाँ अभी अब मुश्किल है. और एंड में आकर रिंकू सिंह ने रन थोड़े बना दिए, फिर शायद 50 मतलब हाफ सेंचुरी कर ली, लेकिन वो एंड में तो पता ही था, एंड कुछ ओवर में भी नहीं, काम बनेगा नहीं आज KKR के लिए. और हाँ, KKR की भी अब थोड़ी सी लूजिंग स्ट्रीक चल रही है, और KKR, SRH, DC ये टीमों का चांस कम और कम होते जा रहे हैं. मतलब अगर जल्दी इन तीनों टीम्स ने कुछ किया नहीं, तो मतलब डेंजरस सिचुएशन में आ सकती है. और मुझे लगता है LHC भी आने वाली फ्यू गेम्स में थोड़ी और ड्रॉप होगी, मतलब टॉप 4 से बाहर आ जाएगी, अगर वो उनकी भी SRH के
तरह थोड़ी स्टबर्न मैनेजमेंट है, अगर चेंजेस नहीं किए तो मुझे लगता है चेंजेस आने वाले हैं। और आज की जीत के बाद CSK टेबल टॉपर्स बन गए हैं और RR, LSG, पंजाब, RSB, ये RCB, ये सब टीम्स कंटेंशन में हैं क्वालिफाई के लिए अब। और मुंबई भी एक अभी भी डिसेंट स्पॉट में है, लेकिन मुंबई का जो इस हफ्ते मैच आने वाला है गुजरात टाइटन्स के खिलाफ अहमदाबाद में, वो उनके लिए बहुत ही बड़ा मैच बन गया है अब। क्योंकि पंजाब की हार के बाद अगर वो भी मैच हार जाते हैं तो फिर थोड़ा सा टफ होगा क्वालिफाई करना, फिर भी कर सकते हैं लेकिन चांसेस थोड़े और कम हो जाएंगे। और बाकी टीम्स को भी अभी अपना आज RCB के लिए बहुत अच्छी जीत थी, और अगला मैच शायद KKR के साथ है तो वो मैच RCB को ज़रूर जीतना चाहिए, क्योंकि अब वीक टीम खेल रही हो, KKR इतनी अच्छी टीम नहीं है ओवरऑल देखें तो मतलब RCB को जीतना पड़ेगा वो मैच अब, क्योंकि बाद में स्ट्रॉन्ग टीम्स के साथ भी मुकाबले होंगे, तो अगर वीक टीम से 2 पॉइंट ले लें जब चांस होता तो ऐसी टीम्स के लिए अच्छा होगा। कल का मैच DC और SRH है, मतलब वो कुछ ज़्यादा एक्साइटिंग मैच नहीं है। और अब मैं थोड़े दिनों के बाद वीडियो बनाऊँगा, मतलब जैसे अब मैं 2-3-4 गेमों का भी इकट्ठी एक बनाता हूँ ऐसे ही करूँगा, तो थोड़े दिनों के बाद बनाऊँगा। और ट्यूसडे का मैच मैं भूल गया एग्जैक्टली कौन है, लेकिन चेक करके मैं शायद ट्यूसडे या वेडनेसडे का वीडियो बनाऊंगा। और हाँ, आज CSK जीत गई, RCB जीत गई, दोनों बड़े फ्रेंचाइज हैं, और कल पंजाब जीत गई थी और गुजरात, सो कंग्रेचुलेशंस अगर आप इन चारों टीम्स के फैन हैं। और हाँ, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और ध्यान रखो अपना और मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।